फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई मॉसफेट है तो मॉसफेट में आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो मॉसफेट है ये एन चैनल मॉसफेट है या फिर पी चैनल मॉसफेट है। नॉर्मली इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इसके नेम प्लेट देखना होती है, फिर इसके हम डाटा शीट देखते हैं और डाटा शीट देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो मॉसफेट है ये एन चैनल मॉसफेट है या फिर पी चैनल मॉसफेट है। बट आज के स्टडी में यदि आप इसकी डाटा शीट नहीं भी देखते हैं तो जस्ट मल्टीमीटर के जरिए आप बता सकते हैं कि आपका जो मॉसफेट है ये एन चैनल मॉसफेट है या फिर पी चैनल मॉसफेट है। इसके अलावा आज के स्टडी में मॉसफेट की टेस्टिंग भी करने वाले हैं, जिसमें हम मल्टीमीटर के जरिए बता सकते हैं आपका जो मॉसफेट है ये ओके है या फिर डिफेक्टिव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि हम मॉसफेट के बारे में बात करते हैं तो मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखा जाए तो हमारे पास मॉसफेट एक तरह का ट्रांजिस्टर होता है। जिस तरह से ट्रांजिस्टर में हमारे पास एमिटर, बेस एंड कलेक्टर होते हैं, इसी तरह से हमारे पास मॉसफेट में भी थ्री टर्मिनल होते हैं, जो कि होता है गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मॉसफेट में भी तीन टर्मिनल्स होते हैं। अभी के लिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपल से हम इसकी वर्किंग समझे तो देखिए, ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल के बीच में हमारे पास एक जेनर डायोड कनेक्ट होता है। जब गेट टर्मिनल पर पल्स आती है, फर्स्ट टर्मिनल इसमें गेट होता है, ठीक है, जब गेट टर्मिनल पर पल्स आती है तो एन चैनल मॉसफेट में देखिए सोर्स टू ड्रेन यहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कब होता है? जब फर्स्ट टर्मिनल गेट टर्मिनल पर पल्स आएगी तब सोर्स टू ड्रेन कंडक्शन होगा। इसी तरह से पी चैनल मॉसफेट में यदि हम देखते हैं तो जब गेट टर्मिनल पर पल्स आएगी तब ड्रेन टू सोर्स यहां पर कंडक्शन स्टार्ट होगा। अभी के लिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपल सा यदि हम इसकी टेस्टिंग करना है कि हमारे पास जो मॉसफेट है ये एन चैनल है या पी चैनल, तो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर जो जेनर डायोड दिया गया है यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल। किस तरह से, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो जेनर डायोड कनेक्ट किया गया है वो ड्रेन टू सोर्स यहाँ कनेक्ट किया गया है, और यह जो टर्मिनल होता है ये नेगेटिव होता है और यह टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो ड्रेन होता है सेकंड टर्मिनल पर है और जो सोर्स है ये थर्ड टर्मिनल पर दिया गया है। देखिए, ये हमारे पास टू नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ पर नेगेटिव और थ्री नंबर पॉजिटिव। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए डायोड रेंज पर सेट कर लेना है, और डायोड रेंज पर सेट करने के बाद देखिए ये तो नेगेटिव को यहाँ रखा, पॉजिटिव को यहाँ रखा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कंडक्शन होना चाहिए। देखिए, एन चैनल मॉसफेट में यहाँ पर कंडक्शन यदि होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉसफेट है ये एकदम ओके है। यदि हम इसके अपोजिट लगाते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, तो उस कंडीशन में कंडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायोड जो होता है सिर्फ एक ही तरफ कंडक्शन करता है। उसी तरह से पी चैनल मॉसफेट में देखा जाए तो ये इसका देखिए पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव। तो देखिए, पॉजिटिव प्रोब यदि हम टू पर लगाते हैं और नेगेटिव प्रोब यदि थ्री नंबर टर्मिनल पर लगाते हैं तो उस कंडीशन में कंडक्शन यदि होता है, यदि वहां पर डायोड की वैल्यू आपको शो होती है तो आप कह सकते हैं आपका जो डायोड है यह ओके है। इसके अपोजिट यदि आप नेगेटिव को यहां पर लगाते हैं टू पर और पॉजिटिव को थ्री पर लगाते तो कोई कंडक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग करने के लिए आपको जो इसके थ्री टर्मिनल है इन्हें आपको शॉर्ट कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब टेस्टिंग के लिए देखिए, हमें एन चैनल के पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं एन चैनल है या पी चैनल। तो देखिए, नेगेटिव प्रोब को टू पर और पॉजिटिव प्रोब को थर्ड पर लगाना है तो यहाँ पर कंडक्शन होना चाहिए। देखिए, नेगेटिव प्रोब को टू पर और पॉजिटिव प्रोब को थर्ड पर लगाया है तो यहाँ पर देखिए डायोड की वैल्यू शो हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डायोड है ये एकदम ओके है। इसका अपोजिट यदि हम करते हैं, पॉजिटिव को टू पर लगाते हैं और नेगेटिव को थ्री पर लगाते तो कोई कंडक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई कंडक्शन नहीं हुआ है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो मॉसफेट है ये एन चैनल मॉसफेट है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर नेगेटिव पर हमने यहाँ पर ड्रेन को लगाया है और सोर्स पर पॉजिटिव लगाया है, तो देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू शो हो रही है, तो हम सिंपल से कह सकते हैं ये एन चैनल मॉसफेट है। यदि हम पॉजिटिव को यहाँ पर लगाते ड्रेन पर और नेगेटिव को थर्ड पर लगाते सोर्स पर और यदि वैल्यू शो होती तो हम कह सकते थे जो मॉसफेट है ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और इसके अपोजिट में कोई कंडक्शन नहीं होना था। ठीक है, तो यह तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया मॉसफेट हमारा एन चैनल है या पी चैनल।
किस तरह से, यदि नेगेटिव को हमने 2 पर लगाया और पॉजिटिव को 3 पर लगाया सोर्स पर, तो यहाँ पर डायोड की वैल्यू शो होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एन चैनल मॉसफेट है, इसके अपोजिट कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो आप मॉसफेट है ये एन चैनल है या पी चैनल। नॉर्मली एन चैनल मॉसफेट में क्या होता है, सोर्स से जो वोल्टेज आता है उसमें यदि हम नेगेटिव की स्विचिंग मॉसफेट के जरिए कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये एन चैनल मॉसफेट है। यदि हम पॉजिटिव की स्विचिंग करते हैं, दैट मीन्स सोर्स से जो वोल्टेज आता है उसकी पॉजिटिव की यदि हम स्विचिंग कर रहे हैं मॉसफेट के जरिए, तो हम कहते हैं पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव की स्विचिंग हो रही है, नेगेटिव यहाँ पर, तो ये हमारे पास एन चैनल मॉसफेट है, इसका अपोजिट कोई भी कंडक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, अब हमें मॉसफेट की टेस्टिंग करना है कि मॉसफेट ओके है या डिफेक्टिव। तो मॉसफेट टेस्टिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें सभी टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है, सभी टर्मिनल शॉर्ट किए हैं। अभी देखिए ये हमें क्लियर हो चुका है ये एन चैनल मॉसफेट है। तो देखिए एक प्रोब हमें यहाँ पर नेगेटिव को ड्रेन पर लगाना है, पॉजिटिव को सोर्स पर लगाना है। देखिए यहाँ पर हमें डायोड की वैल्यू शो हुई है। अभी इसके अपोजिट यदि हम लगाते हैं तो कोई कंडक्शन नहीं होना चाहिए, वह भी हमने देखा कोई कंडक्शन नहीं हुआ है। अभी क्या होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोब है और नेगेटिव को सोर्स पर लगाया, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। तो यदि हम इसे गेट पल्स देते हैं, गेट पर लगाया, देखिए गेट पल्स आ गई है। नॉर्मली क्या था, अभी यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स में कोई भी कंडक्शन नहीं था, अभी हमने गेट पल्स दे दिया है। अब जैसे ही गेट पल्स दिया तो यहाँ पर देखिए ड्रेन टू सोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। देखिए हमारे पास इसमें जो स्ट्रे कैपेसिटर होता है, स्ट्रे कैपेसिटर चार्ज हो गया है और यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या था, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ कोई कंडक्शन नहीं था, यदि हमने ड्रेन पर पॉजिटिव लगाया था और सोर्स पर नेगेटिव, बट जैसे ही हमने गेट पल्स दिया तो यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉसफेट है ये एकदम ओके है। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, सबसे पहले तीनों प्रोब को शॉर्ट करना है। ठीक है, अभी देखिए नेगेटिव को ड्रेन पर लगाना है, पॉजिटिव को सोर्स पर, तो सिंपल सा हमारे पास डायोड की वैल्यू आएगी, इसके अपोजिट कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आई है। अब यहां से हम गेट पल्स देंगे यहां पर पॉजिटिव प्रोब के जरिए। ठीक है, गेट पल्स आना, स्ट्रे कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अब यहां पर यदि हम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, शॉर्ट दिखाना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारा जो मॉसफेट है ये एकदम ओके है। यदि आपका मॉसफेट डिफेक्टिव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले से हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। कभी भी गेट टर्मिनल से ड्रेन और सोर्स के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। देखिए यहां पर कंटिन्यूटी आ रही, गेट से ना ही ड्रेन पर कंटिन्यूटी आना चाहिए ना ही सोर्स पर आना चाहिए। देखिए दोनों पर यहां पर कंटिन्यूटी आ रही है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, गेट से कभी भी ड्रेन टू सोर्स कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अब इसके अपोजिट फिर से हम एक बार से शॉर्ट करते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, ये भी हमारे पास एन चैनल मॉसफेट है, तो देखिए नेगेटिव प्रोब को ड्रेन पर लगाया है, पॉजिटिव को सोर्स पर, तो यहां पर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। यहां पर इसने डायोड की वैल्यू शो करना था इस तरह से, बट ये अभी शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, शॉर्ट दिखाने के कारण जो मॉसफेट है ये शॉर्ट हो चुका है। इसके अपोजिट देखिए, इसके उल्टा करते हैं तो यहां पर भी ये कुछ वैल्यू दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा ये मॉसफेट है ये शॉर्ट हो चुका है। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से समझते हैं, आप आइडेंटिफाई एन चैनल और पी चैनल का किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कर लेते हैं हम। यदि आपने नेगेटिव को ड्रेन पर लगाया है, पॉजिटिव को सोर्स पर लगाया है, तो यहाँ पर डायोड की वैल्यू आएगी, इसके अपोजिट कोई वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, नेगेटिव लगाने पर यदि वैल्यू आ रही तो आप कह सकते हैं ये एन चैनल मॉसफेट है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और मॉसफेट ओके है या डिफेक्टिव, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपके पास गेट से ना ही ड्रेन में कोई रेटिंग आना चाहिए, ना ही सोर्स पर कोई रेटिंग आना चाहिए, और यहाँ पर अपोजिट में भी कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।